वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। 2013-14 का कालखंड देखिए, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। फ्रेजाइल फाइव शब्दों से मैं नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गई थी। ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं बहनों बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं बहनों बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। और ये आंकड़ों में नहीं दिख सकता है, देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है, ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला।
आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले, देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली, करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी, जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए, हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा, आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास की रही है। बीते 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या
एसटी